नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रीट लेवल टू ज्वाइनिंग से संबंधित एक अपडेट निकल कर आ रही है। चले मैं आपको अपडेट दिखा देता हूँ। इससे पहले दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें। इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक न्यूज ही दिखाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय के 163 रिसफल अभ्यर्थियों के आज से होंगे पदस्थापना आदेश। श्रीगंगानगर तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय के रिसफल परिणाम से श्रीगंगानगर जिले में आए 163 शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। सोमवार को जिला परिषद की ओर से इन शिक्षकों के पदस्थापन संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। काउंसलिंग के बाद 18 दिनों से पदस्थापन के इंतजार में बैठे इन शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्ति दी जाएगी। जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सौरभ स्वामी ने बताया कि आदर्श चुनाव आचार संहिता के कारण इन शिक्षकों की नियुक्ति अटकी हुई थी। अब चुनाव आयोग की ओर से इन शिक्षकों को स्कूलों में नियुक्ति देने संबंधी आदेश मिले हैं। 9 चयनित 58 अभ्यर्थियों को पदस्थापन के लिए अभी करना पड़ेगा इंतजार। तृतीय श्रेणी लेवल द्वितीय के 9 चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग भी 13 मार्च को हो चुकी है, लेकिन इनका पदस्थापन भी अटका हुआ है। इनके पदस्थापन के संबंध में जिला परिषद की ओर से निर्णय लिया जाना है। ऐसे में इन शिक्षकों को पदस्थापन के लिए अभी 2-3 दिन इंतजार करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये आज की न्यूज़ थी।